छठ पूजा 2023 हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट और शेयर करें। आई बात करते हैं छठ पर्व के बारे में। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी छठ पर्व के बारे में। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का ये पावन पर्व हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रख जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जल उपवास रखते हैं। छठ पर्व का मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन ये पर्व चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्योदय के समय अर्घ्य देने के बाद समाप्त होता है। 4 दिनों चलने वाले इस पर्व की शुरुआत इस साल कब से हो रही है, आइए जानते हैं। कब है छठ पूजा 2023? इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत 18 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:18 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 19 नवंबर दिन रविवार को सुबह 7:23 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार छठ पूजा 19 नवंबर को है। कब है नहाई खाय 2023? लोक आस्था का यह महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाई खाया होता है। इस साल नहाई खाया 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा। वही सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। खरना 2023 की तारीख। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। खरना इस साल 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। छठ पूजा 2023 पर संध्या अर्घ्य का समय। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। इस दिन व्रती घाट पर आते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। छठ पूजा पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और व्रत का पारण का होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा। छठ पूजा कैलेंडर 2023। छठ पूजा का पहला दिन नहाई खाया 17 नवंबर दिन शुक्रवार। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना लोहंडा 18 नवंबर दिन शनिवार। छठ पूजा का तीसरा दिन छठ पूजा संध्या अर्घ्य 19 नवंबर दिन रविवार। छठ पूजा का चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ्य पारण 20 नवंबर दिन सोमवार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।